सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। हाल के दिनों में रफ्तार का कहर देखने को मिला था, जहां रफ्तार के कारण दुल्हा और दुल्हन की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। आज एक बार फिर से नवादा जिले के पकड़ी वर्मा थाना क्षेत्र अंतर्गत भगवानपुर गांव के समीप दुल्हा दुल्हन की तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने सड़क किनारे बैठे दो लोगों को रौंदते हुए सड़क किनारे खड़ी कोल्ड ड्रिंक लदे एक ट्रक में सीधा टक्कर मार दिया, जिससे दुल्हा दुल्हन की गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और गाड़ी में बैठे दुल्हा दुल्हन को चोट लग गई। दुर्घटना में भगवानपुर गांव निवासी बिमल मिस्त्री के पुत्र शंकर मिस्त्री एवं भजन डोम के पुत्र मॉडल मिस्त्री की घटनास्थल पर मौत हो गई। बताया जाता है कि शादी संपन्न होने के बाद दुल्हा दुल्हन की गाड़ी झारखंड राज्य के पलामू जिले से दुल्हा दुल्हन को लेकर बांका जिले के 12 गांव जा रहे थे, तभी चालक वाहन चलाने के दौरान सो गया और अपना नियंत्रण खोते हुए सड़क किनारे बैठे दो लोगों को रौंद दिया, जिससे घटनास्थल पर ही दोनों की मौत हो गई, जबकि दुल्हा और दुल्हन की गाड़ी में बैठे दुल्हा और दुल्हन समेत कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। आपको बताते चले कि दुल्हा और दुल्हन की गाड़ी बांका जिले के 12 गांव जा रहे थे और इसमें बांका जिले के 12 गांव निवासी दुल्हा अली रजा के पुत्र मोहम्मद अख्तर एवं झारखंड के परामू जिले के हैदरनगर निवासी दुल्हन कैरून निशा समेत कई लोग घायल हो गए, जिनका इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पकड़ी वर्मा में कराया गया और इलाज के बाद दुल्हा दुल्हन तथा अन्य लोग दूसरे वाहन से बांका के लिए रवाना हो गए। वहीं तेज रफ्तार दुल्हा दुल्हन की गाड़ी से दो लोगों की मौत के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही वीडियो नीरज कुमार घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ित परिजनों को पारिवारिक लाभ के तहत 20,000 रुपए का चेक प्रदान किया और आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया तथा सड़क जाम हटाने के बाद आवागमन को सुचारू रूप से संचालित किया गया। यानी नवादा जिले के पकड़ी वर्मा थाना क्षेत्र अंतर्गत भगवानपुर गांव के समीप रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां दुल्हा दुल्हन की तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने सड़क किनारे बैठे दो लोगों को रौंद दिया, जिससे घटनास्थल पर ही दोनों की मौत हो गई, जबकि कार में सवार दुल्हा और दुल्हन बुरी तरह से जख्मी हो गए। हाल के दिनों में नालंदा जिले के गिरियक थाना क्षेत्र अंतर्गत खराठ गांव के समीप पुरैनी गांव के पास इसी तरह की एक घटना घटी थी, जहां तेज रफ्तार दुल्हा और दुल्हन की गाड़ी में बैठे दुल्हा और दुल्हन की मौत हो गई थी। आज इसी प्रकार की घटना नवादा जिले के पकड़ी वर्मा थाना क्षेत्र में देखने को मिला है, लेकिन इस घटना में दुल्हा और दुल्हन बाल बाल बच गए। दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।